कोर्ट मध्यरे छुरी साहाज्यरे विचारपति आक्रमण उद्यम ब्रह्मपुर एसटीजेएम कोर्टरे घटी एभली अभावनीय घटना। सूचना अनुजाई ब्रह्मपुर अंचल भगवान साहू नामक व्यक्ति जनक एक छुरी धरी ब्रह्मपुर एसटीजेएम प्रज्ञा परमिता प्रतिहारी आक्रमण उद्यम करते एथिपाई से विचारपति डायस उपरकु चढ़ी जाइए। तेब से उपस्थित किसी वकिल और कर्मचारी डायस उपरकु जा विचारपति उद्धार करने उक्त व्यक्ति काबू करते। खबर पाई बैद्यनाथपुर थाना पुलिस तुरंत कोर्टे पहुंची आक्रमणकारी को गिरफ कर घटना नहीं अवगत पर ब्रह्मपुर एसपी और एसटीपीओ घटनास्थल पहुंची तदंत चल। आक्रमणकारी भगवान साहू नारे पूर्व चारोटी अपराधिक मामला रही एसपी सूचना देखते। तेज क्यों कारण युवक जनक एभली करापड़ना यह सह अधिक तदंत पर सबकि स्पष्ट हो जोने जोने व्यक्ति एसडीजीएम 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 ब्रह्मपुर अच्छा चाकू देखे मुझे मारिदेवि से गाली आक्रमण अटाक करने से चेषा करूला से स्टाफ जो प्यून और डिस्कार जो थे एसडीजीएम को रेस्क्यू करी और जो अटाक करता धरिकी सांगे सांगे जो पुलिस पाखे थे हैंड ओवर करदे से जो अक्यूज अच्छी से वर्तमान डिटेन अच्छी ताना एफआईआर वर्तमान आम रजिस्टर करुच्छे आउ जो चाकू अच्छी चाकू नहीं कि जो अटाक करने ट्राई करते सीज है से चाकू और ये से चेषा कर सब जो मामला था ना से कौन पाई आस से वर्तमान आम इन्वेस्टिगेशन चली किंतु आगु चारिटा केस रजिस्टर होती आम तदंतर वर्तमान सुधा जनापड़ी बड़बजार थाना एरिया से आक्यूज अच्छी ना अच्छी भगवान साहू बयस पखापाखि 50 51 अच्छी तार आनटा क्रिमिनाल केस बड़बजार थाना अच्छी आगु से अरेस्ट हो जेल जाइला आ गोटे क्रिमिनाल केस बीएनपुर पुलिस स्टेशन अच्छी वर्तमान सुधा चारिटा क्रिमिनाल केस अच्छा तब गोटे सुरक्षा गोटे प्रश्न उठू गोटे क्वेश्चन रेज कर सुरक्षा नहीं किसी पद देखो आगर मैं सब सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग रे सब डिस्कस करुच्छे सो गत थर सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग रे डिस्ट्रिक्ट जज सर जिते कहले इंस्ट्रक्शन अनुजाई रिक्वायरमेंट अनुजाई आम गोटे हविलदार और चारिटा कांस्टेबल ओनली कोर्ट रे सेफ्टी पाई आम देखू से आम डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट सेठी एटा जेहेतु गोटे अल्टरनेट कैंपस होगा और जेहेतु पाखे सी एस आई कैंपस ये आम पुलिस जेहेतु पाखे ही अच्छी ये आम आशा करूँ ये बहुत सुरक्षा अच्छी बोली एवं आम सजेसन करूँ किसी मेसरमेंट्स आम गोटे सीनियर टीम आसबू। ब्रह्मपुर सुनील कुमार साहू को रिपोर्ट ओडिशा न्यूज रूम।